इनका 4 साल पहले घुटनों का जो है ऑपरेशन हुआ था, दोनों घुटनों का। 3-4 महीने से घुटने को जो है लेके ये फिर दोबारा से जो है परेशान थी, दर्द था काफ़ी। मैं 5-4 डॉक्टरों से और मिला, मेरी संतुष्टि नहीं हो पाई वहाँ। एक जैन मुनि है राजेंद्र मुनि, उनका जो है करीब 8 महीने पहले डॉक्टर थॉमस ने ऑपरेशन किया था घुटने का। वे हमारे गुरु हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया। मैं डॉक्टर साइमन थॉमस हूँ, मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। इनको घुटने का ऑपरेशन किए हुए कुछ अरसा हो गया था और ये बहुत अच्छा कर रही थी, खूब दौड़ती भागती रहती थी। अनफॉर्चुनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका घुटना जो है थोड़ा लूज हो गया, और इसको हमारी भाषा में एसेप्टिक लूजनिंग बोलते हैं। आमतौर पर पेशेंट्स का विचार ये होता है कि जब पेशेंट्स चलते फिरते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो घुटना घिस जाता है। आजकल इम्प्लांट्स इतने बढ़िया बन गए हैं कि ये इम्प्लांट्स जो नए हैं ये 30-35 साल से पहले नहीं घिसेंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो। प्रॉब्लम आती है कि इम्प्लांट्स तो सही रहते हैं, लेकिन जिस बोन के बेस के ऊपर हम इम्प्लांट्स को लगाते हैं उन बोन में थोड़ी सी वीकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार इम्प्लांट्स लूज हो जाते हैं। तो मिसेज जैन हालांकि यंग पेशेंट है, काम भी काफ़ी अच्छा हुआ था, बट उनका घुटना जो है ओवर अ पीरियड टाइम लूज हो गया। यहाँ आने के बाद मुझे डॉक्टर थॉमस का व्यवहार और उनका ज्ञान अच्छा लगा, मैं संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के बाद मैंने एडमिशन करा दिया इनका। एडमिशन कराने के बाद उन्होंने अच्छी सर्जरी करी, और मैं भविष्य में भी यदि किसी को जरूरत पड़ी या कोई हुआ तो मैं यहाँ सुझाव दूंगा। मेरा नाम मंजू जैन है, मेरे को 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, अब 3 महीने से दिक्कत बन रही। अब महाराज जी के संपर्क में आए, उन्होंने बताया कि डॉक्टर थॉमस बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करो आप। बस आए, हमें अच्छा लगा, तो हमने यहाँ पे साथ साथ एडमिशन ले। आज से 10-15-20 साल पहले ये एक बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, और पेशेंट्स के लिए उसके आगे का जो सर्जरी थी बहुत बड़ी सर्जरी थी, और पेशेंट्स इससे परेशान भी होते थे, और अगर रिप्लेसमेंट हम दोबारा करते भी थे तो उनके रिजल्ट्स पहले की तरह नहीं होते थे। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि रिविजन सर्जरीज जो हैं वो बड़ी कॉमन है, आसान है। सबसे बड़ी बात ये है कि रिविजन सर्जरी के बाद आप ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा कि आपके प्राइमरी यानी कि पहली बार बदलवाने पर होता है। तो इसलिए अगर आपके हिप या नी जॉइंट में रिप्लेसमेंट के बाद कोई लूजनिंग का इशू है तो उसको रेक्टिफाई टाइम पे करवाना आपकी जिम्मेदारी है, जिससे कि आपका रिजल्ट पहले की तरह अच्छा हो जाए।